हेलो एवरीवन, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे वो CBSE ने पाठ्यक्रम में पहली बार शामिल किया है। इससे पहले वो आज तक हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वच्छता के पास ईश्वर का निवास। जय जवान जय किसान। छात्रों, अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं नारे बोल रही हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे संशोधित पाठ्यक्रम में नारा लेखन शामिल कर लिया गया है, अतः इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नारा लेखन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, हम नारा लेखन कैसे करें, आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। नारा किसी विशेष पक्ष, विचार, अभियान या सिद्धांत को प्रकट करने वाला प्रेरणादायक तुकांत वाक्य नारा कहलाता है। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण पश्चात हम पाते हैं कि नारा हम सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ साथ जागरूक बनाने वाला होता है। नारा लेखन की विशेषताएं। नारा लेखन अधिकतम 2 से 10 शब्दों में होता है। नारा 1 अथवा 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। नारा सरल, सहज और जन लोकप्रिय भाषा में होते हैं। नारा प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। नारे सुनते ही ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं। अधिकतम नारे तुकांत शब्दों में लिखे जाते हैं, जैसे जल है तो कल है। यहाँ जल और कल तुकांत शब्द है। नारा लेखन के प्रकार। राजनैतिक नारा, भाजपा सरकार का नारा, अब की बार मोदी सरकार। धार्मिक नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सामाजिक नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐतिहासिक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शैक्षणिक नारा, दीप से दीप जलाएंगे भारत को साक्षर बनाएंगे। व्यवसायिक नारा जो मोदी सरकार ने दिया, आत्मनिर्भर भारत। प्रेरणादायक नारा, उमंग न ठंडी होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पांव छुएगी आज नहीं तो कल। अब नारा लेखन कैसे करें। नारा लेखन के लिए सीमा निर्धारित करें। सरल सहज शब्दों का प्रयोग करें। लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार चित्रांकन करें। अगर ज़रूरत हो नारे में तो एक छोटा सा चित्र भी बनाया जा सकता है। एक बॉक्स बनाएं और उसमें नारा लिखें। नारा लिखने के लिए हमें एक छोटा सा बॉक्स तैयार करना पड़ता है, जिसमें बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी को नारा लेखन कहते हैं। थैंक्स एवरीवन।